का जो दुश्मन सच्चाई का यार, टकराने को जुल्म से हर दम है तैयार। बिजली है, तूफान है, फौलाद है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 परछाई अगर छाने लगे, वक्त को वो थाम ले, सब्र से वो काम ले। सर जमीन हिंद की वो एक शान है, वो एक शान है, वो एक शान है। बिजली है, तूफान है, बादल है, चट्टान है, करता नहीं कभी जो जालिमों को माफ। करन 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 -8 20 इसका क्या मतलब हो सकता है? सिंह साहब, मुझे याद है कि आदित्य का नाम मैंने पहले कभी अपने धंधे में नहीं सुना। वो एक चैंपियन ड्राइवर था। अगर हमें यह पता चल जाए कि आदित्य कहाँ रहता था, तो हो सकता है उसके घर की तलाशी लेते वक्त हमें कोई सुराग मिल जाए। अब से थोड़ी देर के बाद राणा जिस पते पर पहुंच रहा है वो पता लिखो राणी। तेरा और तेरे साथियों का खेल खत्म हो गया। मतलब कि 14 अप्रैल 2003 को कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ है जिसका संबंध आप सब लोगों से है। हेलो, अपनी रिवॉल्वर में गोली भर लो राठी। कौन? दोस्त, फोन टैप करने की कोशिश मत करो राठी। मेरा पीछा करोगे तो जोसेफ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। हेलो, हाँ राठी बोलो। सर, अभी अभी किसी ने दोबारा मुझे फोन करके वो पता बताया जहां पर जोसेफ थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाला है। आओ। कौन था वो राठी? कौन तुम्हें बार बार फोन करके सोने के लुटेरों का पता बता रहा था? कौन था वो? पता नहीं। ठीक है, तुम वहां पहुंचो। बाय। वकील साहब, हम लोग यहां आ तो गए हैं लेकिन हमें करना क्या है? करना क्या है? इधर उधर तलाश कीजिए, शायद कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हमें उस गोल्ड तक जाने का रास्ता मिल सके। यहां क्या मिलेगा? ऐसा लगता है उस हादसे के बाद यहां कोई आया नहीं। मुझे लगता है कि आदित्य ने हमें यूं ही पहेली में उलझा दिया है। ये तस्वीर किसकी है? जहाँ
से निकलने का कोई रास्ता सोचो, वरना हम दोनों बेमौत मारे जाएंगे। अरे कैसे निकले, बाहर पुलिस है। कोई तो रास्ता होगा। एक रास्ता है, पीछे का रास्ता। चलो निकलते हैं, मुझे मालूम है, चलो निकलते हैं। जल्द से जल्द इस मुल्क से निकल जाना चाहिए। हेलो, क्या हुआ? जो सब पुलिस से बच गया। जोसफ पुलिस से बच गया। हाँ
14 अप्रैल 2003 में ये घटना घटी थी, तो ये गेम यहां से शुरू हुआ। बहुत लंबा गेम है, सर। जोसेफ के हर मूवमेंट पर मेरी नजर है और मेरे मुखबिर उसके पीछे साई की तरह लगे हुए हैं। राठी, मैं इस केस की तह तक पहुंच चुका हूं। सिंह साहब, ये सिंह साहब जाने कहां चले गए? सिंह साहब, मैं तो आ गया लेकिन मुझे मेहरा को मारना पड़ा। तुम्हें उस घर से कुछ मिला? सिंह साहब, मुझे वहां गोल्ड तो नहीं मिला लेकिन मुझे वहां आदित्य की तस्वीर उस लड़की के साथ मिली जिसका हमने उसकी फैमिली के साथ कत्ल कर दिया था। पूजा बेटी, ऐसे नाराज नहीं होते। पापा को क्या अच्छा लगता है घर से बाहर रहना? मैं कुछ नहीं जानती मामा, वो तो हमेशा बाहर ही रहते हैं। ये कोई तरीका है क्या? चल, चाबी निकाल। देखो, चाबी निकाल। कुछ नहीं है, आप हमारे पीछे मत पड़ो, बस कुछ नहीं है। मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि ये आदित्य की तस्वीर उस लड़की के घर पर कैसे पहुंची। क्योंकि वो लड़की मेरी मंगेतर थी। और मेरी बेटी, तुम तो मर गए थे। अरे, मर तुम्हें उसी दिन गया था जब तुम लोगों ने मेरी पूछा को मौत की नींद सुला दिया था। इस शरीर को और इस जिंदा लाश को मैं इसलिए ढो रहा था ताकि तुम लोगों को मौत की नींद सुलाकर मैं अपने परिवार की मौत का तुम लोगों से बदला ले सकूं। यानी ये सब एक साजिश? साजिश नहीं, बदला था, सजा थी। तुम्हें, तुम्हारे साथियों और अदालत जिसने मेहरा जैसे मक्कार वकील की दलीलें सुनकर तुम तीनों को बाइसक परी कर दिया। तो वो गोल्ड कब लाए? वो गोल्ड हमारे पास है और वो रोबरी भी एक प्लान था जैसे मेरी मौत, ताकि तुम्हें और तुम्हारे तीनों गुनहगार साथियों को हम जेल में पहुंचा सकें।
के लिए तैयार हो जा। सिंह, तुमने जो अच्छा नहीं किया सिंह। अब तुम्हारी बारी है जोसेफ, तुम्हारी बारी। मेरे परिवार को लूटने और कत्ल करने की सजा है तुम्हारी मौत। नहीं मिस्टर सिंह, कानून किसी को इजाजत नहीं देता कि कोई उसे अपने हाथ से ले। आपके कानून की आंखों पर पट्टी बंधी है मिस्टर राठी, पट्टी बंधी हुई है। उसे पापी दिखाई नहीं देते। बेगुनाहों की फरियाद महरा जैसे खटिया जलील वकीलों की दलीलों में दबकर रह जाती है। मासूम गुनहगार हो जाते हैं और ऐसे गुनहगार बचकर निकल जाते हैं। यही है आपका कानून मिस्टर राठी। कानून की आंखों में पट्टी इसलिए बंधी है आदित्य, चाहे 100 गुनहगार बच के निकल जाएं, किसी एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। हथियार फेंक दो। मिस्टर सिंह, ये कहानी शुरू हुई 14 अप्रैल 2003, जिस दिन आपके परिवार का बड़ी बेरहमी से खत्म कर दिया गया। मुजरिम कानून की आंख में धूल झोंक कर बच के निकल गए, लेकिन आपके दिल में जो बदले की आग चल रही थी वो नहीं गई। आपने एक मास्टर प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान कि गोल्ड की रॉबरी भी हो जाए और आपका बदला भी मुकम्मल हो जाए। और उस प्लान को अंजाम देने के लिए आपने उन्हीं तीनों का इस्तेमाल किया जिन्होंने आपके परिवार को खत्म किया था। लेकिन किसी को भी यह हक नहीं कि वो कानून को अपने हाथ में ले। किसी को बदला लेने का कोई हक नहीं, वो काम कानून का है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके साथ और आदित्य के साथ भी जो नाइंसाफी हुई, इस बार आपके साथ इंसाफ होगा। दो मुजरिम तो उनके अंजाम तक पहुंच गए, वह क्या ये जोसेफ, इसे भी इसके किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में ना लें। पुलिस का रिकॉर्ड जब चेक किया तो ये जाना कि
14 अप्रैल 2003 को आपके परिवार के साथ क्या घटना घटी थी, और जब ये देखा कि इस रॉबरी को भी अंजाम देने का काम उन लोगों का है जिन्होंने आपके परिवार को तबाह किया था, समझ गया मैं कि क्या कहानी है। सिंह साहब, आज आपका बदला पूरा हो गया। करण साहब, मैंने ऐसा इंतजाम किया है कि वो घोड़ पुलिस तक पहुंच जाएगा। मुझे कभी कभार जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि हम कानून के रखवाले भी इंसान हैं, हमारे सीने में भी दिल है और इस दिल में दर्द होता है। लेकिन बदले की जो आग है बहुत बुरी है, इंसान को खुद ही जला देती है।